भारत का ओलंपिक में अब तक का सुनहरा सफर। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। भारत ने पहला ओलंपिक मेडल कब जीता था? भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक के हॉकी इवेंट में अपना पहला गोल्ड मेडल 1928 के एम्स्टरडेम ओलंपिक में जीता था। मेजर ध्यानचंद ने इस पूरे ओलंपिक में अकेले सबसे ज्यादा 14 गोल दागे, जबकि भारतीय टीम ने 5 मैचों में कुल 29 गोल किए थे। इस दौर को भारतीय हॉकी का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला एथलीट हैं, जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता। भारतीय खेलों के लिए गौरव का पहला पल सिडनी 2000 में आया, जब कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। भारत ने ओलंपिक में अब तक कितने मेडल जीते हैं? ओलंपिक इतिहास की बात करें तो भारत के नाम अब तक कुल 35 पदक हैं। इनमें 10 स्वर्ण, 9 रजत और 16 कांस्य पदक शामिल हैं। सबसे ज्यादा 8 स्वर्ण पदक भारत की हॉकी टीम ने जीते हैं। भारत ने सबसे ज्यादा मेडल किस ओलंपिक में जीते हैं? भारत ने 2012 लंदन ओलंपिक को पीछे छोड़ते हुए टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक अपने नाम किए हैं। इससे पहले लंदन ओलंपिक में भारत के नाम कुल 6 पदक थे। कितनी बार नहीं खुला खाता? भारत ने अब तक 24 ओलंपिक में हिस्सा लिया है। इनमें से 6 ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीत सका। 1896 से मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आयोजित हो रहे हैं। बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने साल 2012 के लंदन ओलंपिक में देश के लिए कांस्य पदक जीता। नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। 2012 के लंदन ओलंपिक में बैडमिंटन विमेन सिंगल्स में कांस्य पदक के लिए साइना का मुकाबला चीन की शिंग वांग से था। ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? भारतीय महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? तो इसका उत्तर है 1928 में। ओलंपिक की किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका उत्तर है पीटी उषा। कितने साल बाद मिला गोल्ड मेडल? इस बार ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को 13 साल बाद दूसरा गोल्ड मिला। बीजिंग ओलंपिक 2008 में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने किया था।